नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरस आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी जो फर्स्ट बुक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, उसके फर्स्ट यूनिट का मैं सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। दोस्तों, मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता दूं कि मैंने फर्स्ट यूनिट का जो पहला पार्ट था यानी कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स यानी राजनीति क्या है, इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स यानी राजनीति क्या है उसके बारे में। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने से पहले वे वीडियो को देख लें ताकि इनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है, तो हम ये आज की जो क्लास है अपनी वो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसे परिभाषित कीजिए और उसके कार्य क्षेत्र, उसकी प्रकृति और महत्व को समझाइए या उसका विश्लेषण कीजिए, कुछ अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए या फिर आपसे बोल दें कि राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और उसको आप किस प्रकार प्रासंगिक ठहराएंगे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो समझ लीजिए कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में पैटर्न हर क्वेश्चन की तरह क्या होने वाला है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा यानी कि परिचय, जिसमें हम बताएंगे थोड़ा बहुत इंट्रो देंगे कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी है, और देन फिर हमारा हेडिंग होगा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी किसे कहते हैं। उसके बाद फिर अगला हमारा हेडिंग होगा राजनीतिक सिद्धांत के तत्व कह सकते हो या फिर घटक, यानी कि कौन से चरण या घटक या तत्व हैं जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण जिनके थ्रू होता है। फिर अगला हेडिंग हमारा होगा राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र। उसके बाद चौथा जो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता या उसका महत्व। उसके बाद फिर होगा निष्कर्ष, हमेशा के सारे क्वेश्चंस की तरह हमारा लास्ट का क्या होगा, निष्कर्ष। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ और आप ध्यान से सुनिए। देखिए परिचय में क्या है, पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके जीवन के अनेक पहलू हैं। इन विविध पहलुओं की क्रमबद्ध व्याख्या विभिन्न सामाजिक शास्त्रों के अंतर्गत की जाती है। राजनीति एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। मानव में जैसे जैसे चेतना का विकास होता गया वैसे वैसे ही उसने मानव जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक युग में विभिन्न राजनीतिक चिंतकों ने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। राजनीति के बारे में कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जिसमें राजनीति की समस्त विषय वस्तु शामिल हो। परिभाषाओं में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहा वैसे वैसे राजनीतिक चिंतकों के विचारों में तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन होता रहा। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, और ये जो राजनीतिक विज्ञान जो विषय है वो समाज में कई सारे विद्वान हमेशा आते रहे और उन्होंने समय समय पर कई तरह के सिद्धांतों और नियमों को रचा है जिससे कि समाज को और ज़्यादा बेहतरी समाज में मतलब किया जा सके, समाज को एक बेहतर रूप दिया जा सके। ठीक है, और हर विचारकों ने अपने अपने समय की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विचार दिए हैं और विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया है जो कि हर समय अनुसार बदलता रहा है। जैसे कि हम एक पॉलिटिक्स जो परिभाषा है राजनीति की उसको हम किसी एक मतलब कुछ शब्दों में नहीं पिरो सकते, उसका भी रूप मतलब हमेशा बदलता आया है। उसी प्रकार से जो कई तरह के ये थ्योरिस्ट हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, जिन्होंने समय समय पर आकर कई नए सिद्धांतों को रचा है और समय के साथ इनमें परिवर्तन भी आता गया है। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि हम क्या कह सकते हैं कि सिद्धांत क्या होता है, राजनीति से संबंधित नियमों के समूह और निष्कर्षों को ही राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। यानी कि जो भी मुद्दे राजनीति से संबंधित होते हैं और उन मुद्दों पर जो भी नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो भी मतलब जो विचारक होते हैं समय समय पे जो समाज में परिस्थितियों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, और जब उनका उनकी जांच पड़ताल करके वो जो निष्कर्ष निकालते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो नियमों का समूह बनकर तैयार होता है, उन्हें ही हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। हालांकि अगला हेडिंग हमारा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ।
देखिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, और जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें अगर हम थ्योरी को समझें तो थ्योरी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के थ्योरिया से हुआ है इसकी उत्पत्ति, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। यानी किसी वस्तु का अस्तित्व जो अभी है वो क्यों है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कैसे ये अस्तित्व में आया। जैसे कि आज के टाइम पे मोबाइल फोन है जिससे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो अगर हम इस पर गहन विचार करें तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि मोबाइल फोन जो आज ये वस्तु है इसका निर्माण क्यों हुआ, क्या कारण थे जिनकी वजह से इसका निर्माण हुआ, और किस तरह से विकास होते होते हम इस दौर में पहुंचे हैं कि आज हमारे हाथ में ये मोबाइल फोन आ चुका है। तो इनके गहन विचारों में खो जाना, उस वस्तु के अस्तित्व के गहन विचारों में खो जाना और उसकी जांच पड़ताल करना, उसके पूरे इतिहास को खोद डालना और उसके अस्तित्व के कारणों का पता लगाना, ठीक है, और उसके आधार पे कुछ नियम या कुछ सामान्य जो कह सकते हो कि रूल्स वो बाहर निकाल कर लाना, यही सिद्धांत है, ठीक है। देखिए, केवल वर्णन या किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं कहलाता। सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के लेखक की पूरी सोच या समझ शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन होता है, उनकी व्याख्या होती है, लेखक का इतिहास बोध, उनकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल है जिनके लिए किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। जहां तक राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है, विभिन्न लेखकों के अलग अलग ढंग से उनकी परिभाषाएं भी दी गई हैं। देखिए, आपने इतना तो समझ लिया, जो पॉलिटिकल थ्योरी है जिसका जो थ्योरी वर्ड है यानी कि सिद्धांत, जिसको हम थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो कि थ्योरिया जो ग्रीक भाषा का शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हम किसी वस्तु या किसी स्थिति के अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कि जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे सरकार है, लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र प्रणाली पहले तो नहीं थी, पहले की शासन प्रणाली अलग थी, तो ये लोकतंत्र प्रणाली कैसे आई, क्या वो कारण थे जो जिसमें कि राजतंत्र या तानाशाही शासन विफल हुआ और लोकतंत्र शासन प्रणाली प्रबल हुआ और लोग इसको लोगों की नज़र में लोकप्रिय शासन प्रणाली हुई, क्या वो कारण थे, क्या वो वजह थे, क्या वो विशेषताएं हैं लोकतंत्र के जो उसे और शासन प्रणाली से बेहतर बनाते हैं और वे पॉपुलर हैं। तो इन सब पर जब गहन विचार करते हैं तो यही क्या होता है, पॉलिटिकल थियोरी। यानी आपने क्या देखा, अगर सामान्य शब्दों में कहें तो राजनीति से संबंधित मुद्दों पर किसी गहन तरीके से विचार करना, उसके अस्तित्व का, उसके होने का पता लगाना और एक कुछ नियमों को मतलब निष्कर्ष के रूप में कुछ नियमों को साझा करना, यही सिद्धांत कहलाता है। हालांकि अलग अलग विचारकों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि एंड्रयू हेकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एंड्रयू हेकर का कहना है। यानी ये कहते हैं कि जो एंड्रयू हेकर कहते हैं कि पॉलिटिकल थियोरी में तथ्य और मूल्य दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि कोई भी जो सिद्धांतकार होता है वो किसी भी थ्योरी का निर्माण करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करता है और तथ्यों को इकट्ठा करता है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करता है। तो ये तो हो गया तथ्यात्मक पक्ष, लेकिन चूंकि वो खुद भी एक इंसान है और उस व्यक्ति के अंदर भी खुद के कुछ विचार हैं, कुछ आदर्श हैं, कुछ मूल्य हैं जो उसके उस खोज को प्रभावित करते ही करते हैं। तो यानी कि एंड्रयू हेकर ने सही कहा है कि पॉलिटिकल थियोरी में तथ्य और मूल्य यानी कि फैक्ट्स और वैल्यूज दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हर सिद्धांतकारी एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों के नाते वो तथ्यों को, सामग्री को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और कुछ मूल्यों और तथ्यों को उसमें जो है क्या करते हैं, वो प्रतिपादन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक होकर वो कुछ तथ्यों का, कुछ आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद दार्शनिक भूमिका निभाकर समाज के लिए कुछ मूल्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वह जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहा है उनमें विज्ञान तत्व कितना है,
और दर्शन कितना, ये तो भी व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति दार्शनिक ज्यादा हो और वैज्ञानिक कम हो, तो वो ज्यादा तथ्यों पर कम ध्यान देगा और ज्यादा ध्यान जो है मूल्यों पर देगा, आदर्शों पर देगा, है ना, नैतिकता पर देगा, अपने विचारों को ज्यादा प्रभावी बना देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक ज्यादा है तो वो तथ्यों और आंकड़ों को पर ज्यादा बल देगा। जॉर्ज कैटलिन जो है उनका क्या कहना है, उनके क्या कथन है, उन्होंने राजनीति को तीन वर्गों में बांटा है। एक तो व्यवहार कला यानी कि द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, एक राजदर्शन यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी, और एक राजविज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि कैटलिन कहते हैं कि इन तीनों वर्गों में जो राजनीतिक सिद्धांत में दो चीज़ें आती हैं, राजदर्शन और राजविज्ञान यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, राजनीतिक सिद्धांत, जैसे कि आप समझ सकते हैं, यानी इस हिसाब समझ में आ रहा है कि मूल्य और तथ्य दोनों इंक्लूड होते हैं। जॉर्ज प्लेमेनिज की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है एक सिद्धांत शास्त्री राजनीतिक शब्दावली का विश्लेषण स्पष्टीकरण करता है, वह उन सभी अवधारणाओं की समीक्षा करता है जो कि राजनीतिक बहस के दौरान प्रयोग में आती हैं। समीक्षा के बाद अवधारणाओं के औचित्य पर भी प्रकाश डाला जाता है। दूसरे शब्दों में सिद्धांतकार केवल समीक्षा नहीं करता अपितु वह किसी खास मूल्यों के प्रति अपनी गहरी निष्ठा भी प्रकट करता है। तो आप समझ गए कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्यों और मूल्यों दोनों का समावेश होता है। जब तक एक सिद्धांतकार आंकड़ों को इकट्ठा करता है किसी भी घटना से संबंधित, किसी भी समस्या से संबंधित मुद्दों पर, जब आंकड़े इकट्ठे करता है और तथ्यों को इकट्ठा करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करता है, तो वो तो हो गया उसका तथ्यात्मक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष। और जब वो उसको समाज में लागू करता है जिसके द्वारा वो अपने कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो वो क्या हो गया, उसका दार्शनिक पक्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंत में अगर हम बात करें जो आज के जो वर्तमान युग के जो प्रख्यात बहुत ज्यादा फेमस जो लेखक है, राइटर है, डेविड हेल्ड। ठीक है दोस्तों, डेविड हेल्ड, तो इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट, जिसमें कि डेविड हेल्ड ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन और राज्य की, समाज की प्रकृति, लक्ष्य और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। यानी कि सिंपल सी बात है कि राजनीति विज्ञान में उन मुद्दों को शामिल किया जाता है जो शासन से संबंधित, जो राज्य से और समाज के और मनुष्यों की मतलब कह सकते हो लक्ष्यों और उनके उद्देश्यों, उनके भावनाओं से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें, उन्होंने इसमें तीन बातें कही थी, वर्ग, शक्ति और राज्य, यानी कि क्लास, पावर एंड स्टेट, ये वैधता, और इन्होंने वैधता की समस्या के बारे में बात करी है कि किसी भी सरकार को वैधता, लोगों से अथोराइज, यानी लोगों से मतलब लोकप्रियता हासिल कैसे होती है, उदारवाद और मार्क्सवाद, लोकतंत्र के मॉडलों के बारे में, नागरिकता के बारे में, उन्होंने अपनी बुक में कई तरह की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा हेडिंग आता है, अगला हेडिंग हम डालेंगे राजनीतिक सिद्धांत के चरण या फिर तत्व। देखिए दोस्तों, अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है तो अब तक हम ये समझ पाए हैं कि तीन मुख्य तत्व होते हैं जिनके आधार पर किसी भी सिद्धांत का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है अवलोकन, सेकेंड है व्याख्या और थर्ड है मूल्यांकन। दोस्तों ये क्या है, देखिए अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहले विचारक क्या करता है, जब भी किसी सिद्धांत का निर्माण करता है, कोई भी सिद्धांतकार जब भी किसी सिद्धांत का, किसी भी नियम का निर्माण करता है, तो सबसे पहले वो अपने समय की परिस्थिति से प्रभावित होता है। आज तक जो भी विचारक आए हैं वो अपनी अपने देश, अपने का, अपने समय काल से प्रभावित हुए हैं, और उस समय की कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिनसे कि वो चिंतित रहे हैं या असंतुष्ट रहे हैं, उससे दुखी रहे हैं, और उसमें परिवर्तन की उन्होंने उम्मीद रखी हो, और इसी उद्देश्य से उन्होंने सिद्धांतों को रचा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मार्क्स और लॉर्ड ब्राइस आदि सभी विद्वानों ने
तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन इस कारण से किया कि वे उन परिस्थितियों से असंतुष्ट थे, यानी कि जो भी सिद्धांतकार होते हैं जब भी किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो वे विशेषकर अपने समय से किसी घटना से किसी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होते हैं अगर तभी वो ऐसा करते हैं। जैसे कि अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स जिस समय में पैदा हुए थे उस समय इंग्लैंड की हालत बहुत बुरी थी, अराजकता का माहौल था और ऐसी कंडीशन में कोई राजा की आगे का पालन नहीं करता था, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और बिल्कुल अराजकता फैली हुई थी, ठीक है, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में हॉब्स को उस समय के लिए सबसे बेहतर शासन प्रणाली क्या लगी, निरंकुश राजतंत्र, जो उन्होंने अपने बुक लेवियाथन में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि शासन जो है एक तानाशाह व्यक्ति के हाथ में हो जो सारा कमान अपने हाथ में ले। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो साथियों कि जो भी सिद्धांतकार होते हैं वो अपने समय की परिस्थितियों का पहले अवलोकन करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या वास्तव में समस्याएं हैं जिनको खत्म करना जरूरी है, उस पर पूरा अच्छे से पर्टिकुलर अध्ययन करते हैं, उसके से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। फिर अगला जो हेडिंग आता है वो है व्याख्या, यानी अगला जो आप चरण देख सकते हो वो क्या है, व्याख्या, यानी जो भी तथ्य और आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं उनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, उनमें से जो भी बेकार की वस्तु सामग्री होती है, जो बेकार के तत्व होते हैं उनको तो हटा दिया जाता है और जो काम की चीज़ होती है उन्हें रखा जाता है और उन सभी तथ्यों में कारण और कार्य का पता लगाया जाता है कि कोई भी अगर घटना हो रही है तो वास्तव में परिस्थिति का कारण क्या है, क्यों वो हो रहा है, किसकी वजह से ये ऐसा परिणाम भुगतना पड़ा। जैसे कि हॉब्स ने पता लगाया कि इंग्लैंड में अगर अराजकता की उस समय स्थिति थी तो क्यों थी, उसके क्या कारण थी। जैसे कि प्लेटो ने पता लगाया, अरस्तु ने पता लगाया कि यूनान के जो एथेंस नगर राज्य में उस समय जो अराजकता की स्थिति थी वो क्यों थी, उसके पीछे क्या कारण था। तो कारणों का पता लगाया जाता है और इसी में चिंतन मनन पूरी तरह से किया जाता है और एक निश्चित परिणाम यानी कि कंक्लूजन निकाला जाता है और एक नियम बनाया जाता है उस समस्या को सुधारने के लिए, जो भी आवश्यक मांग है जो उस समस्या से निपटा जा सके उसके लिए नियम कायदे कानून का एक ढांचा तैयार किया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं और जिसको हम सामान्यकरण भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा जो चरण आपका आता है वो क्या है, मूल्यांकन, ठीक है दोस्तों, वो है हमारा मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन की अगर हम बात करें, मूल्यांकन है हमारा दूसरा टॉपिक, यानी इसमें हम ये देखते हैं कि जो सिद्धांत निर्माण हुआ वो उसमें तथ्यों और मूल्य दोनों का महत्व होना चाहिए, ठीक है, यानी किसी भी सिद्धांत का निर्माण केवल एक के सहारे नहीं हो सकता, दोनों की आवश्यकता है। भाई तथ्य और घटनाओं को तो हमने इकट्ठा कर लिया और हमने आंकड़ों को इकट्ठा करके समस्या के बारे में जान लिया और उससे संबंधित योजनाएं और जो नियम है जो सुधार है उसको तो हमने बता दिया, सिद्धांतों का निर्माण तो कर दिया, पर वो किस हद तक प्रभावी सिद्ध हुए, क्या उससे जो भावी जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था जो लक्ष्य थे क्या वो लक्ष्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई, है ना, उसकी जांच पड़ताल करना भी बेहद जरूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अरस्तु ने या प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी और कहा था कि एक दार्शनिक राजा होगा जो कि क्या करेगा, पूरे समाज में न्याय की स्थापना करेगा, ठीक है, पूरे नगर राज्य में न्याय की स्थापना करेगा, तो उसने जो वो सिद्धांत लागू किया तो क्या उस सिद्धांत को बना देने से उसके बाद क्या उसका कोई असर पड़ा, क्या जो लक्ष्य थे उसकी प्राप्ति हो सकी, तो उसके उसे कहते हैं मूल्यांकन, तो जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि सिद्धांत कितना हद तक प्रभावी हुआ या नहीं। तो यानी तीन चरण होते हैं, अवलोकन होता है और व्याख्या होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है। अगला जो हेडिंग है वो है आपका राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र यानी विषय वस्तु। देखिए दोस्तों, ये जो राजनीतिक सिद्धांत जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी बातें शामिल है, कई सारे विद्वानों ने जो है इसमें सरकार और नागरिकों, जैसे कि उदारवादियों ने इसे सरकार और नागरिकों तक ही सीमित रखा, मार्क्सवादियों ने इसको उत्पादन के साधनों से जोड़ा और नारीवादियों ने कहा कि पारिवारिक और जो घरेलू मुद्दे होते हैं वो भी राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को लेकर विभिन्न विचारकों में भिन्न भिन्न कह सकते हो विचार है, मतभेद है, ठीक है। तो हम देखते हैं मोटा मोटा कि इसमें क्या क्या मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी में हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, राज्य और सरकार का अध्ययन। हाँ जी दोस्तों, राज्य और सरकार का अध्ययन यानी राजनीतिक सिद्धांत में हम ये अध्ययन करते हैं कि किसी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब ये जो राज्य है, आपको तो पता है कि प्राचीन काल से राज्य तो नहीं था, सबसे पहले तो छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, आज राष्ट्र राज्य है, मतलब बड़े बड़े राज्य हैं। तो ये राज्य की उत्पत्ति ही कैसे हुई और इसका धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, इसकी प्रकृति पहले क्या थी, इसके कार्य क्षेत्र क्या कहते हैं। राज्य मतलब यहाँ बात हो रही है सरकार से, कि पहले कौन सी शासन प्रणाली आई है ना, उसमें क्या परिवर्तन आया। तो ये सारे चीजों का अध्ययन करना, यानी जैसे कि पहले के टाइम पे लोग राजतंत्र में रहते थे और राजा की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते थे, फिर कैसे जो है इसका विरोध होना शुरू हुआ और आज के वर्तमान समय में एक लोकतांत्रिक राज्य है ना। तो यानी कि विभिन्न जो राज्यों का अस्तित्व कैसे आया और वो कैसे उसका विकास हुआ और समय के साथ उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। और ना सिर्फ यही अध्ययन करते हैं बल्कि इसमें हम सरकार का भी अध्ययन करते हैं कि सरकार के आपके मालूम है 3 अंग होते हैं, ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों का अध्ययन, इन किसी भी देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना कैसी है, वो किस तरह से कार्य करते हैं, उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है ना, इन सब चीजों का जो है राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है। तो पहला टॉपिक क्या था, राज्य और सरकार का अध्ययन, जिसमें आप क्या लिखोगे कि किसी भी राज्य की उत्पत्ति, उसका विकास और उसकी कार्य प्रणाली, कार्य क्षेत्र और शासन के समय के साथ उसमें परिवर्तन क्या क्या आया, और साथ ही साथ सरकार का क्या स्वरूप है, वो किस तरह से कार्य करती है, उसके विभिन्न अंगों को क्या अधिकार प्राप्त है, कितनी शक्तियां प्राप्त है, इन सभी का अध्ययन जो है हम पॉलिटिकल थ्योरी में यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में ही करते हैं, ताकि हम बेहतर शासन प्रणाली और बेहतर सरकार की प्रणाली के बारे में खोज भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम राजनीतिक सिद्धांत में ना केवल राज्य और सरकारों का अध्ययन करते हैं बल्कि इसमें हम व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति और एक सरकार, राज्य अर्थात यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, तो एक सरकार और व्यक्ति के मद्देनजर कैसा उनका संबंध रहेगा इसका अध्ययन करते हैं। यानी पुराने समय में उनके बीच में कैसा संबंध था और समय के साथ उनमें कैसा परिवर्तन आया है, ये सारी चीजें देखी जाती है। जैसे कि पुराने समय में अगर हम बात करें, जब शुरुआत में 18वीं सदी में उदारवादी शासन प्रणाली आई थी, तो उस समय व्यक्ति की जो स्वतंत्रता पर यानी कि उसके फ्रीडम पर ज्यादा जोर दिया जाता था और सरकार को, राज्य को जो अधिकार दिए थे कम दिए गए थे। वो सिर्फ पुलिस राज्य की भूमिका निभाती थी, जिसका कार्य देश के में आपसी लोगों के झगड़ों को निपटाना और तालमेल बिठा के रखना समाज में और देश की सुरक्षा करना इसका कार्य था। लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हो कि व्यक्ति और राज्य के संबंध में काफी हद तक परिवर्तन आया और वर्तमान समय में जो कि लोकतांत्रिक समय है, जहाँ पर व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और साथ के साथ व्यक्ति को राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं, और राज्य उनके लिए ना सिर्फ पुलिस राज्य की भूमिका निभाता है बल्कि उनके लिए कुछ कल्याणात्मक योजनाएं बनाकर कल्याणकारी कार्य भी करता है। तो यानी हम पॉलिटिकल थियोरी में ये भी पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति और एक राज्य के मध्य कैसा संबंध होता है या हुआ है या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है नीति निर्माण प्रक्रिया। राजनीतिक सिद्धांत में हम ये भी पढ़ते हैं कि नीति निर्माण प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि किस शासन प्रणाली में किस प्रकार के राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, सरकार किस तरह से नीति निर्माण करती है, विधायिका कैसे कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे कैसे लागू करती है और न्यायपालिका कैसे उसकी देखरेख करती है। और ना सिर्फ इन सरकार के तीनों अंगों के कार्य, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो गैर सरकारी जो भी तत्व हैं, जैसे कि मतदाता यानी कि हम जनता और पॉलिटिकल पार्टीज और जितने बाकी और संगठन जो कहीं ना कहीं इस गतिविधि को प्रभावित करते हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम उन सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जिनका नीति निर्माण में, कानून निर्माण में, योजनाओं के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है।
ठीक है दोस्तों, इसी के बेस पे हमने कई सारे सिद्धांतकारों ने दलीय प्रणाली, तीन प्रकार की दलीय प्रणाली बताई है, एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति। और इन दलीय प्रणाली के जो इनके जो फायदे और नुकसान की विशेषताओं का समय समय बहुत सारे सिद्धांतकारों ने उल्लेख किया है और सिद्धांतों का निर्माण किया है और इनमें से क्या बेहतर है इस पर बहसें हुई है। ठीक है, तो इन सब का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। अगला जो हेडिंग आता है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, हम राजनीतिक सिद्धांत में ना केवल किसी एक देश का अध्ययन करते हैं अपितु हम विदेशों से कैसे संबंध होना चाहिए हम उसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपको मालूम है जो वर्तमान में तो स्पेशली वैश्वीकरण का दौर है जहाँ पर आज पूरी दुनिया एक छोटे से गाँव के रूप में हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें हमें हर देश जो है एक मतलब विश्व के अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे यूएनओ संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कार्य कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में भी अध्ययन करना अति आवश्यक है कि वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनको क्या क्या शक्ति प्राप्त है और किस प्रकार से वो विश्व व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इन सब का अध्ययन भी हम पॉलिटिकल थ्योरी में ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है शक्ति सिद्धांत और क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संसद और दक्षेस का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संगठनों का बल्कि राजनीतिक सिद्धांत में हम छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठनों का भी अध्ययन करते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जहाँ पर शक्ति तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित शब्द है, यानी कि जो भी तत्व शक्ति से जुड़ा हुआ है उन सभी मुद्दों को हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो उन सभी संगठनों का, उन सभी ग्रुप्स का अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना, उनके कार्यों, उनके उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक शक्ति के आधार पर निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैटलिन ने यहाँ कहा भी है कि राजनीति को संघर्ष पर आधारित माना है, उनके अनुसार जहाँ कहीं भी राजनीति है वहाँ शक्ति का होना स्वाभाविक है और ये शक्ति के विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, ये बड़े रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में हो सकते हैं या छोटे छोटे जो क्षेत्रीय संगठन है लाइक यूरोपीय संघ है, आसियान है, दक्षेस है। आप चिंता मत कीजिए, आगे की क्लासेस में आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत आप 12th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो उन संस्थाओं के उद्देश्य, उन संगठनों के जो कार्य प्रणाली है उनका अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इनका विश्व की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है मानव व्यवहार का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है या जो राजनीतिक विषय है ये अपने आप में आजकल बहुत व्यापक हो गया है। इस कह सकते हो कि इसमें हम पूरे मानव व्यवहार का, संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करते हैं क्योंकि चूंकि जो राजनीति जो विषय है वो मानव के बिल्कुल पर्सनल जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में भले ही अपने जीवन यापन कर रहे हों लेकिन हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो पब्लिक मुद्दे हैं जिनसे हम भी प्रभावित होते हैं और हम उसे प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह के व्यवहार करते हैं जिसके थ्रू हम उन समस्याओं से निपट सकें। तो इसमें हम उन सब का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन हम इसमें करते हैं कि मानव कैसे व्यवहार करता है और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए तरह तरह के हित समूह हैं, पार्टीज हैं, यूनियन है ना, ग्रुप्स हैं जो अपनी मांगों को रखते हैं और कहीं ना कहीं देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, है ना, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो उन सब का भी हम अध्ययन इसमें करते हैं, मतलब संपूर्ण मानव जाति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट है नारीवाद। भाई पॉलिटिकल थ्योरी में हम नारीवाद का भी अध्ययन करते हैं। नारीवाद क्या है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना विषय नहीं है लेकिन बहुत नया भी नहीं है। आपको पता है कि सदियों से समाज में जो सबसे बड़ा शोषित वर्ग रहा है वो है महिलाएं। महिलाओं को अमीर मतलब विकसित से विकसित देशों में भी बहुत संघर्षों के बाद उन्हें यहाँ तक कि वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ है और आज भी उनको उनके उत्थान के लिए
काफी हद तक सुधार करने की समाज में आवश्यकता है, ठीक है। और नारीवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें जो विचारक होता है वो नारी के उत्थान की बात करता है, उनके अधिकारों और उनके सम्मान और उनके विकास के पक्षधर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस पर्सपेक्टिव से भी जो है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इसमें भी मतलब आते हैं इस फील्ड में भी, ठीक है। और आपको मालूम है कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जितने भी आए हैं राजनीतिक सिद्धांतकार, उन्होंने इस मुद्दे नारी को एक एक सामाजिक वर्ग को लेकर इतना बड़ा अध्ययन किया है, और तभी जाके ये हमारा रिजल्ट है कि हमारे हमारे संविधान में भी जो स्थानीय शासन है उसमें एक तिहाई, जो कह सकते हो कि जो एक तिहाई स्थान जो है हमारे लिए आरक्षित किया गया है ना, सीट आरक्षित किया गया है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद जो अगला हेडिंग है आपका वो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों की समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो तरह तरह के मूल्यों पर भी काम करते हैं। बहुत सारे विचारक आए हैं, विचार आए हैं, जैसे कि व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद, गांधीवाद, इन सभी ने अपने अपने विचारों के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए तरह तरह के अपने विचार दिए हैं और उस पर कार्य किया है, ठीक है। और अपने तरह तरह के सुझाव दिए हैं और समाज में इन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है और इसकी समय समय पर समीक्षा की है, जांच पड़ताल किया है और इसके लिए सुधार के जो है तरीके बताए हैं, ठीक है। अगला जो हेडिंग है वो है सकारात्मक और निषेधात्मक पक्ष। दोस्तों जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अपने आप में दोनों पक्षों का समावेश है, सकारात्मक भी होता है इसमें शामिल और निषेधात्मक भी। ये क्या होता है, कोई सिद्धांतकार किसी शासन प्रणाली के बारे में जब उसके बारे में अच्छा बताता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सिद्धांतकार ये कहता है कि साम्यवादी प्रणाली बहुत अच्छी है और उसके उचित ठहराने के तरह तरह के कारण बताता है कि इसमें ये चीज़ है, वो चीज़ है, इसीलिए इतना बेहतर है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सकारात्मक पक्ष का प्रयोग कर रहा है ना। यहाँ पे वो अपनी बात को पॉजिटिव वे में किसी विचार के लिए अपने पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, सकारात्मकता को दिखा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि सकारात्मकता ही हो, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो किसी विचार के मतभेद को भी दिखा सकते हैं, निषेधात्मक पक्ष को भी अपना सकते हैं, यानी कि किसी विचार की आलोचना करते हुए जो है उसके कारण बता सकते हैं कि वो विचार, वो जो व्यवस्था है वो क्यों अपने आप में ठीक नहीं है। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में यानी पॉलिटिकल थ्योरी में जो एक सिद्धांतकार होता है ना सिर्फ किसी व्यवस्था के बारे में, किसी विचारधारा के बारे में अपने पॉजिटिव वे रख सकता है, चाहे तो वो उसकी आलोचना करते हुए नेगेटिव पॉइंट भी बताता है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं। जी हाँ दोस्तों, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि अपने आप में बहुत ही वास्ट विषय हो गया है, बहुत ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है, धीरे धीरे इसने बहुत सारे मुद्दों को अपने अंदर शामिल किया है। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम आजकल जितने भी विकास के तरह तरह के मॉडल हैं, मुद्दे हैं, मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और पर्यावरण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं, है ना। और जो भी अन्य समस्याएं जैसे कि गरीबी हो गया, असमानता है ना, भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जाए उसका भी अध्ययन करते हैं और उसके लिए भी सिद्धांतकार कई प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, जैसा कि जो जी आलमंड है और डेविड एप्टर हैं, है ना, इन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने राजनीतिक विकास, विकासशील देशों के राजनीतिक विकास के संबंध में अपने लेखों में लिखा है, ठीक है दोस्तों। और जो मायरन विनर है और जो रजनी कोठारी है, उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया है और बताया है कि किस प्रकार से भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद और दलित राजनीति देखने को शुरुआत से ही मिलती है, जो कि राजनीति का मुख्य केंद्रबिंदु रहा है। यानी कि किसी भी समाज का, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो रहा है, आधुनिकीकरण कैसे बढ़ रहा है, या पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं और बाकी अन्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, उन समस्याओं के बारे में भी सिद्धांतकार बताते हैं। और ना केवल उन समस्याओं के बारे में बताते हैं अपितु अपना जो है समाधान भी प्रस्तुत करते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसकी कार्य क्षेत्र क्या है, इनमें हम कौन कौन से विषय को और मुद्दों को अध्ययन करते हैं। मैं अगले ही वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखूंगी, जो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी कितना प्रासंगिक है, क्यों इसकी महत्ता है, क्यों इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहाँ विदा लेती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, तो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, ताकि आप आगे के वीडियोज़ भी इजीली देख सकें। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है अब तक का इस क्लास का, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले पार्ट के लिए, इंतज़ार कीजिए, बस जल्दी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।